तो आज आप लोग देखेंगे कि कैसे टायर वर्कआउट पूरा होता है, मैं आपको लाइव बता देता हूँ। ठीक है, ये जो टायर है इसको आपको यहाँ डाउन में बांधना है, बॉडी को हल्का सा डाउन लेना है। तो ये पूरे के पूरे जो बच्चे टायर लगे टायर वर्कआउट है, हमें कब करना होता है, जब हम भर्ती के नज़दीक ना हो, मतलब हमारी भर्ती में 2 से 2.5-3 महीने से ऊपर हो, जब हम टायर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपकी भर्ती में 1-1.5 महीने बचा है तो इस वीडियो को देखें भी ना, क्योंकि देखना भी बिल्कुल आप लोगों के लिए हानिकारक रहेगा। टायर वर्कआउट कैसे करते हैं ये बताता हूँ। पहले आपको ग्राउंड पर जाके वार्म अप लगाना है, स्ट्रेचिंग लगाना है, इसके बाद में 8-10 राउंड, 7-8 राउंड आपको नॉर्मल लगाना है। जब आप थक जाते हैं उनके बाद आपको टायर को बांधना है, टायर को बांध के फिर आपको रनिंग करना है। और जैसे एक बार आपका नॉर्मल हो, रनिंग कैसे करना है, स्लो फास्ट नहीं करना है। रनिंग में ये रहता है सीक्वेंसेस का कि पहले आप स्लो सिर्फ इसमें टाइम जो रहता ना इसको स्पेंड करना पड़ता है। मतलब आप टाइमर लगाते हैं कि मुझे मात्र टायर को जो लेके घसीटना है 12 मिनट 15 मिनट सफिशिएंट है। 1-1 घंटे अगर आप टायर को बांध के अगर घसीट रहे हैं तो बताते हैं कि जो आपके अंडाशय होते हैं इनमें प्रॉब्लम आ जाती है या सूजन आ जाती है, बाद में दिक्कत होने लगता है जो टायर से वर्कआउट करते हैं। तो इसको सिर्फ मात्र 15 से 20 मिनट टायर वर्कआउट करें, और फिर जैसे टायर वर्कआउट खत्म होता है स्ट्रेंथ का वर्कआउट था, तो फिर आप एक रेपिटेशन मारिए 1200 मीटर का। जैसे ये पीछे अभी जो बैच गया पीछे आपने देखा, तो ये लोग पहले क्या कर रहे थे, रनिंग करें फिर टायर पे आए फिर वापस से रनिंग पे आ गए। तो इससे क्या कि जो आपकी पीछे की जो पेड़ी है ये भी नहीं भराना चाहिए डाउन की वजह से। तो ये पहले अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट, जिसको हम बोलेंगे कि टायर स्ट्रेंथ वर्कआउट, इससे क्या जैसे आपकी टाइमिंग 5 मिनट 20 सेकंड पर रुकी हुई है, आप लोग सारे वर्कआउट कर चुके हो, हिल वर्कआउट कर चुके हो या आप फाट्रेक ट्रेनिंग कर चुके हो, उन सबके बाद भी अगर आपकी टाइमिंग नहीं टूट रही है तो फिर आपको करना होगा टायर वर्कआउट। इससे क्या है आपका पावर जनरेट होगा, आपका जो पेट में दर्द आएगा फिर भी आपको तरह वर्कआउट करते रहना। पूरा टायर वर्कआउट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट जरूर करें, और टायर वर्कआउट से लेकर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं और सभी के जवाब। कैसा लगा टायर वर्कआउट? ज्यादा लोडिंग भी नहीं हुआ कि 1 घंटा पहले अपन ने नॉर्मल लिया 10-12 मिनट, फिर रनिंग की 10-12 मिनट, और फिर वापस से 8 मिनट का ये 10 मिनट का ये दोबारा लगेगा कि जो टायर वर्कआउट कैसे करते हैं, पहले उन्होंने पूरा आपको वीडियो में बता दिया है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।